रायपुर से बड़ी खबर है। राधिका खेड़ा ने नोटिस का भेजा है जवाब। बता दें सुशील आनंद शुक्ला के नोटिस का जवाब भेजा है। नोटिस में राधिका ने अपने आरोपों को दोहराया। 3 दिन में सुशील आनंद को माफी मांगने को भी कहा है, वरना कानूनी कार्रवाई की बात भी कही गई है राधिका खेड़ा के द्वारा। जबलपुर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। शराबी थानेदार पर निलंबन की गाज गिरी है। टीआई संजय भलावी को आईजी ने सस्पेंड कर दिया। शराब के नशे में गाड़ियों के कांच तोड़े गए थे। थानेदार होने की लगातार लोगों को धमकी दे रहा था और इसका वीडियो भी वायरल हुआ। अनिल सिंह कुशवाहा ने ये कार्रवाई की है। छिंदवाड़ा जिले के चौरई थाने में पदस्थ है टीआई संजय भलावी, जिस पर कार्रवाई हुई है। देर शाम कॉलोनी निवासी लोगों ने एसपी के नाम शिकायत सौंपी थी और उसके बाद ये कार्रवाई देखने को मिली। फोड़ा काहे से है इसने? और अब बात बदलते मौसम के मिजाज की। सबसे पहले बात भोपाल की करेंगे, एमपी की करेंगे। एमपी के कई जिलों में हीट वेव की चेतावनी दी गई है। बता दें मौसम विभाग ने जारी की है हीट वेव की चेतावनी। ग्वालियर, राजगढ़, गुना में हीट वेव की चेतावनी दी गई है। तो वहीं शिवपुरी, टीकमगढ़ में लू चलेगी, गर्म हवाएं चलेंगी, ये कहा गया है। चेतावनी दी गई है आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्मी, भीषण गर्मी हमें देखने को मिल सकती है। और खासतौर पे इस समय ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मौसम का मिजाज बहुत ज्यादा बदल रहा है और पारा बहुत ज्यादा हाई होता जा रहा है दिन ब दिन। तो गर्मी से बचने के उपाय भी ये जरूरी हैं। कई तरह के उपाय हैं जो आप अपना सकते हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं। धूप में छाते का इस्तेमाल जरूर करें, गर्मी से बचने के ये उपाय हैं। साथ ही साथ आपको बताएं, धूप में तौलिए से चेहरे को ढक लें कि ज्यादा धूप का प्रकोप आप पर ना पड़े। पूरा कपड़ा पहनकर ही घर से निकलें। गर्मी में सूती कपड़े ही पहने। ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, खुद को हाइड्रेटेड रखें। तो हीट वेव अब होने जा रही है, गर्म हवाएं, तेज गर्मी, पारा हाई, ये सब अब हमें देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में। और कहीं ना कहीं लोग अब इससे परेशान होते हुए बहुत ज्यादा नजर आएंगे। नौतपा के पहले ही भट्टी की तरह खरगोन तप रहा है। 25 मई से नौतपा की शुरुआत होनी है, लेकिन अभी से ही जिले का तापमान 44 डिग्री के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। मंगलवार को दिन सीजन का सबसे अधिक गर्म दिन दर्ज किया गया। मंगलवार को जिले का तापमान 44.2 डिग्री दर्ज किया गया। जिले में भीषण गर्मी के चलते दोपहर में अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात भी हो गए। इन दिनों भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। इंसानों के साथ साथ भगवान भी गर्मी से बेहाल हैं। इसीलिए भगवान को गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में चंदन का लेपन लगाया जा रहा है। तो वहीं लोग भी गर्मी से बेहाल हैं। हालत यह है कि लोग दिन में निकलने से परहेज कर रहे हैं। तो वहीं जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती मरीज भी लगान हो रहे हैं, क्योंकि अस्पताल में लगे पंखे भी गर्म हवा दे रहे हैं। आपको बता दें कि उज्जैन में 3 दिनों से लगातार 44 डिग्री तापमान बना हुआ है। मौसम विभाग की मान ली जाए तो अभी ऐसे ही गर्मी का प्रकोप बना रहेगा। ये गर्मी बहुत भीषण रूप ले चुकी है और ऐसे समय में हमारे यहाँ एक परंपरागत रूप से भगवान को चंदन का लेप लगाकर शीतलता प्रदान की जाती है और यह परंपरा वृंदावन से आती है। वहाँ गोपाल जी ने अपने भक्त माधवेंद्रपुरी को आदेश दिया था कि मलय पर्वत जाकर चंदन लाएं और उनके शरीर पर लेप करें। पूरे भारत में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, वहीं उज्जैन में भी गर्मी का प्रकोप इतना है कि लोग घर से निकलना ही मुश्किल हो गया है। इसी के साथ भगवान को भी गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं। यह महाकाल मंदिर में 11 मटकियां भगवान के ऊपर बांधी गई है, जो सतत्र जल धारा भगवान पे गिर रही है, जिससे भगवान ठंडे रहे। इसी के साथ अन्य मंदिरों में भी इस प्रकार की जो तैयारियां की गई है। साथ ही इस्कॉन मंदिर में जो है 21 दिनों तक भगवान को चंदन का लेपन लगाया जाएगा, तो वहीं 3 AC भी लगाए गए हैं।
ऐसे में उज्जैन के अस्पताल की बात की जाए तो अस्पताल में मरीजों को लिए जो गर्मी से बचाव के लिए वो खुद अपने घरों से पंखे और कूलर की व्यवस्था करके ला रहे हैं, जिससे गर्मी के इस प्रकोप से बच सकें। वहीं शहर में भी यही हाल देखने को मिल रहा है, सड़कें सूनी पड़ी है, जगह जगह गर्मी का जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। बालाघाट में बस हादसे का शिकार हुई है, बेकाबू होकर सड़क से उतर गई बस। दुर्घटना में 20 से ज्यादा बाराती घायल हैं। अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। ठेमा से मोगांव ये बस जा रही थी और उसी बीच हादसे का शिकार हो गई। 20 से ज्यादा बाराती घायल बताए जा रहे हैं, सभी का इलाज जारी है, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसे का शिकार ये बस हुई है और 20 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, कैसे हादसा हुआ, किन्हीं लापरवाहियों के से हादसा हुआ और अभी घायलों की स्थिति क्या है? ये आपको बता दूं कि देर रात की एक घटना बताई जा रही है कि जब थेमा से बसों से भर के बारात ग्राम में जा रही थी मोगांव, तो वहां पे ये हादसा लामटा के पास हुई। बताया जाता है कि जो ड्राइवर था वो नए नवल ड्राइवर था और तेज गति से बस को चला रहा था, जिसके कारण से लामता रोड पे नीचे खाई, 15 फीट नीचे खाई में बस को गिरा दिया उसने। उसके बाद जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, चीख पुकार मच गई और लगभग इस हादसे में 25 से 30 लोग घायल होने की बताया जा रहा है, जिसमें कि आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें सिविल अस्पताल परसवारा और साथ ही जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। हालांकि बता दूं इस पूरी घटना से यही बात सामने आ रही कि जब बारात जा रहे थे और बारात में जाते वक्त ये हादसा हुआ है, देर रात की बात बता रही, और यहाँ तक कि वहाँ बीच बचाव की यदि बात की जाए तो वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी जानकारी के बाद भी मौके पे जल्दी नहीं पहुंचे। आसपास के जो यात्री जा रहे थे वहाँ सड़क से गुजर रहे थे, उनके द्वारा इनको निकाला गया। यहाँ तक कुछ लोग बस में फंस गए तो उनको वहाँ से पेड़ काट के अलग अलग तरीकों से निकाला गया। वो अब विजुअल में भी आप साफ तौर से देख सकते किस प्रकार से हादसा विभत्स हादसा हुआ था। कहीं न कहीं ये बस ड्राइवर की लापरवाही सामने आ रही है जिसके कारण ये पूरा हादसा हुआ। वहीं जिसके बाद वहाँ जो सबसे बड़ी चीज है कि जो बस में सिर्फ सवार थे, बड़े बुजुर्ग सहित बच्चे भी थे, और वो चीज देर रात्रि तक ये हादसा चलता रहा, बचाव कार्य हुआ और अभी लगभग आधा दर्जन से ज्यादा जो है जो बस यात्री वो अभी घायल बताए जा रहे हैं। जी, बड़ी लापरवाही ड्राइवर की यहाँ पर मानी जा सकती है। ये भी बताइएगा कि क्या तेज रफ्तार ये गाड़ी थी, फिटनेस कैसी थी गाड़ी की, और क्या ड्राइवर जो था शराब के नशे में था, कुछ इस बारे में जानकारी मिल पाई है? जी, यात्रियों से हमारी इस बारे में जो चर्चा हुई, जिसमें बताया गया कि जो ड्राइवर जो बस का जो ड्राइवर था वो नहीं था, उसके अलावा नवीन अवेला जो नया ड्राइवर को जो ट्रेवल्स संचालक द्वारा दिया गया था, उससे सही ढंग से गाड़ी चलाते भी नहीं बन रहा था और तेज गति से चलाने के कारण ही हादसा हो। हालांकि शराब के नशे की जो बात आ रही सामने की